सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। आज हम ओम स्लो करेंगे, मींस की ओम का नियम। जब कभी भी ओम स्लो वर्ड हमारे दिमाग में आता है या हम सुनते हैं तो हमें यही लगता है कि ओम स्लो का मतलब होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, बट ये ओम स्लो का नहीं होता है मतलब। ओम स्लो में ये फॉर्मूला आता है, जब कभी भी ओम स्लो की आप बात करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, ये एक रिलेशनशिप देता है हमें करंट मीन्स की विद्युत धारा में, वोल्टेज में और रेजिस्टेंस में। तो इन तीन चीज़ों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, इसकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसे ओम स्लो कहते हैं, ओम का नियम। इसका सिंबल ये होता है ओम, ठीक है। और इसे जॉर्ज साइमन ने बताया था, ओम्स लॉ हमें इनके थ्रू ही पता चला था 19th century में, और ये जर्मन में थे, ठीक है। अब ओम्स लॉ इज़ अ फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। करंट के लिए आई सिंबल यूज़ करते हैं, वोल्टेज के लिए कैपिटल वी एंड रेजिस्टेंस के लिए कैपिटल आर। ये तीन सिंबल्स होते हैं, इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो हम ओम्स लॉ में स्टडी करते हैं। तो जो ओम्स लॉ में हमारे पास स्टेटमेंट आती है या जो रिलेशन है वी इज इक्वल टू आई आर, वो क्या होता है, इट स्टेट दैट इफ टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कभी भी जो टेम्परेचर है अगर वो कांस्टेंट है तो जो फ्लो ऑफ करंट है किसी भी कंडक्टर में, अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। अब यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था स्थिर रहे, भौतिक अवस्था में स्पेशली टेम्परेचर, अगर वो एट रेस्ट पे है तो चालक के सिरों के बीच विभांतर मीन्स की वोल्टेज V, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस V सॉरी उसमें प्रभावित धारा I के प्रोपोर्शनल होता है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर इसे हम V इज इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं, या फिर R इज इक्वल टू V अपॉन में I। ये तीनों जो रिलेशंस हैं ये ओम्स लॉ में हम इनकी स्टडी करते हैं, और इसको इन तीनों में से किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे जो R है वो एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ये एक नियंत्रक होता है मतलब कि ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है जिसे रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद में ओम्स लॉ में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो इसका ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो ओम्स लॉ में जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है मींस की ओरिजिन से पास है। यहाँ पे देखिए ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, ये वोल्टेज हो गया। इसमें ये चीज़ पता चलती है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट वन इज, आप इसमें देखिए सर्किट डायग्राम देखिए, यहाँ पे है लैंप है या एलईडी है, कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस 3 ओम दे रखा है और एक बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है जो 18 वोल्टेज की है, ठीक है। अब इसमें जो करंट फ्लो रहा है, ये सर्किट डायग्राम है जब आप ओम्स लॉ पढ़ते हैं। इसके बाद में ये तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन थी, अब इसके बाद में आता है कि 1 ओम क्या होता है। 1 ओम का मतलब है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेट टू बी 1 ओम व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इज 1 एम्पियर। अगर किसी भी कंडक्टर में यह प्रतिरोध का मानक मात्र है, ठीक है, और अगर एक चालक के सिरों के मध्य विभांतर 1 वोल्ट तथा इसमें प्रभावित होने वाली धारा 1 एम्पियर है तो उस चालक के प्रतिरोध का परिमाण 1 ओम कहलाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। अब ओम्स लॉ में हम आगे पढ़ते हैं कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है और इसमें क्या सिचुएशंस आती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज, अभी मैंने आपको ओम्स लॉ में फॉर्मूला बताया था, रिलेशन बताया था V इज इक्वल्स टू आई आर, तो उसी से रिलेशन से रिलेटेड ही आपके पास दो सिचुएशंस आती हैं। अगर लेंथ इंक्रीज होगी किसी भी वायर की तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मींस कि तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। सेकंड वन इज, अगर
क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करता है तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इट मीन्स कि तार की मोटाई अगर बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध घटेगा। ये जो आपको रिलेशन दे हुए हैं ओम्स लॉ में, वी इज इक्वल टू आई आर या आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके ऐसे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जब तक आपको वो तीनों रिलेशन क्लियर नहीं होंगे आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ इसके बाद में आता है ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर, मीन्स कि ओमी चालक या फिर अनओमीय चालक। तो ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, जिनमें ओम्स लॉ अप्लाई होता है, वो सारी चीजें ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। इसमें एग्जांपल्स है मेटल में आयरन या कॉपर, ठीक है, उसके अलावा रेजिस्टर या फिर निक्रोम वायर एक्सेट्रा। तो ये ओमिक कंडक्टर के एग्जांपल्स हैं। नॉन ओमिक में वाइस वर्सा, मींस कि जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उन्हें हम नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। इसमें जो एग्जांपल है वो है सेमीकंडक्टर्स। इसमें सेमीकंडक्टर्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा दो टाइप्स होते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसके अलावा फिलामेंट लैंप का या बल्ब का, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन ओमिक कंडक्टर के। ओम्स लॉ में इतना ही है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसे कमेंट करके पूछिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए।